हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीर कुंवर विश्वविद्यालय आरा से। बीकेएससी से जो भी छात्र इस बार बीए बीएससी बीकॉम में नामांकन लेना चाहते हैं, वो सीबीएसई के छात्र हैं, उनका डेट को 20 तारीख तक मतलब अब 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। आपको पता है कि सीबीएसई 12th का रिजल्ट आया था, उसके बाद बहुत सारे बच्चे मांग कर रहे थे कि सर हम लोग का डेट बढ़ेगा या नहीं, तो आपका डेट को 20 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे वीडियो का, वहां से वीडियो को देख के आप स्टेप बाई स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसके बाद आपका एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट का ऑनलाइन सत्यापन हो रहा है। मैंने ये कल दोपहर में ही वीडियो बना दिया था, लेकिन सोचा कि मॉर्निंग में आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए देखिए यहां पर साफ लिखता है 20 तारीख तक मौका। इसको जितना हो सके छात्र हित में शेयर कीजिए, 20 तक ही मौका है और ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट का सत्यापन कराना है। मतलब यहां पर आप अपना कैटेगरी, अगर बीसी 2 है, बीसी 1 है, एसटी एससी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, साथ में मैट्रिक और इंटर का आपको मार्कशीट को यहां ऑनलाइन ही अपलोड करना है, इसके बाद ऑनलाइन ही सत्यापन होगा। तो इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, 20 तारीख तक ही मौका है, सभी छात्रों को करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो को देख के आप घर बैठे कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनेट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जो भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम में सत्र 2020-23 में नामांकन के लिए फॉर्म डाले थे, उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर के बैठ गए होंगे और वेट कर रहे होंगे कि कब मेरा मेरिट लिस्ट आएगा और कब हम नामांकन लेंगे। लेकिन आपका बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है, आप अपने मोबाइल से ही अपना 10th या 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पेज का, वहां से हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है बीकेएससीयू। क्या टाइप करना है? बीकेएससीयू, और इसको आपको सर्च कर लेना है। इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एडमिशन, इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाएगा और ये अपडेट का मतलब कह सकते हैं कि निकल भी जाएगा, लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने एक सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दें। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एडमिशन यूजी सेशन 2020-23, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका होम दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से चलिए हम लोग एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेंट लॉगिन पर यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो फॉर्म भरते समय आपको आया होगा ईमेल और मैसेज पर, उसको यहाँ पर चलिए इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ पर डाल के अब चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखिए नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर है, और देखिए नीचे ये देखिए
यहाँ पर आपको हाई या स्कूल का मार्कशीट को अपलोड करना है, मतलब टेंथ का, किसका करना है, टेंथ का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको करना है। यहाँ पर आपको इंटर का, ट्वेल्थ का मार्कशीट को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, कैसे क्रॉप करना है, कैसे उसको कम केबी में करना है, पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पर आपको माइग्रेशन को अपलोड करना है, अगर माइग्रेशन मिला है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट डालना है। और अगर आप यहाँ पर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब BC1, BC2, ST, SC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना है, यदि अप्लीकेबल है, यदि मान है तभी डालिएगा, मतलब है तभी डालिएगा। और जनरल में अगर आप EWS हैं तो यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट यहाँ से ब्राउज करके यहीं से आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर ये स्टूडेंट का, यहाँ पर हम लोग इनका टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट डालते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट को कैसे क्रॉप करके कम केबी में करना है, उसके बाद अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छा से अपने मार्कशीट का फोटो लेना है, स्कैन करना है। उसके बाद देखिए इसको यहाँ पर आपका गैलरी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको देखिए यहाँ से पूरा आपको डिटेल्स में इसको अच्छा से आप ये कर लीजिएगा, क्रॉप कर लीजिएगा, यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ से थोड़ा सा इसको अगल बगल से क्रॉप कर लीजिए और इसको एज इट इज आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर टिक, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव कर लीजिए इसको, इसको कर लिए। अब चलिए इसके बाद आपका जो भी मार्कशीट है, ये आपका टेंथ का मार्कशीट है, उसके बाद चलिए इनका आप ट्वेल्थ का मार्कशीट कहाँ है, ट्वेल्थ का मार्कशीट ये रहा। इसको यहाँ से चलिए जैसे पहले किए थे वैसे ही इसको भी यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से हम लोग क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है क्रॉप, यहाँ पर क्रॉप पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बगल बगल से थोड़ा सा आपको कर लेना है। देखिए यहाँ से कर लिए और इधर से जो एक्स्ट्रा फोटो लिए हैं तो अगल बगल का आ गया है उसको हटा देना है और इसको भी सेव कर लीजिए। उसके बाद इनका कैटेगरी है, ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC2 से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए ये इनका सर्टिफिकेट है, इसको अपलोड करना है। तो इसको फिर यहाँ से चलिए क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप के लिए यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगल बगल जो ज़्यादा पिक्चर में आ गया है उसको केवल क्रॉप कर देना है आपको। देखिए ये रहा, ऊपर से थोड़ा कर दिए और इसको भी यहाँ से सेव कर लिए। अब चलिए इसको हम लोग अब कम केबी में, मतलब मान के चलिए 20 KB से तीनों डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा 20 KB से कम में करना है। कैसे केबी में कम कीजिएगा चलिए आपको बताते हैं। अब देखिए जो भी फोटो आप क्रॉप किए हैं उसको यहाँ पर 20 KB से कम में करना है। कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा Q Reduce Lite। क्या डाउनलोड करना है, Q Reduce Lite। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप से 20 KB से कम फोटो आप आराम से कर लीजिएगा। तो इसको जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको फोटो को चूज कर लेना है जो आप क्रॉप किए हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने 10th 12th का मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र इस बच्चे का क्रॉप किया है, चलिए यहाँ से चूज करते हैं गैलरी से। तो देखिए जैसे ही चूज फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका गैलरी आएगा, गैलरी से आपको फोटो को पिक कर लेना है। चलिए फोटो को पिक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग 10th का ये सर्टिफिकेट इनका है क्रॉप कर लिए हैं, इसको 20 KB से कम में करना है। चलिए जनरली हम लोग यहाँ पर इसको 16 KB का करते हैं। चलिए यहाँ पर 16 KB कर लिए। तो यहाँ पर जो स्टार्ट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये 16 KB का हो गया और ये सेव हो गया है। अब चलिए ऐसे ही 12th का कर लेते हैं, चूज फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चलिए गैलरी है, गैलरी से हम लोग 12th का करते हैं जैसे अभी 10th का किए हैं। 10th का कर लिए हैं उसको 20 KB से कम में। अब यहाँ से देखिए ये 12th का है, इसको भी 16 KB में कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना, ये भी 16 KB में हो गया आपका और ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। तो हम लोगों ने इनका 10th और 12th का मार्कशीट को 20 KB से कम में रिड्यूस कर लिया। इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट BC2 का लगेगा, तो चलिए उसको भी यहाँ से चूज फोटो पर क्लिक करते हैं और इसके बाद गैलरी में जाकर सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से 20 KB में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 KB से कम में भी कर सकते हैं या 20 KB तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए इनका सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको भी हम लोग 16 KB में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो स्टार्ट दिखाई दे रहा है उसको स्टार्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है
और जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये भी आपका ऑटोमेटिक 16 KB में कन्वर्ट हो गया है। चलिए इसको वहाँ से अपलोड करते हैं BKSU के साइट पर। स्टूडेंट लॉगिन किए थे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, अब वहाँ से चलिए इस तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। तो जो भी मार्कशीट हम लोगों ने 10th का है यहाँ पर 20 KB से कम में इसको रिड्यूस किया था, यहाँ ब्राउज से सेलेक्ट करके गैलरी से इसको चूज कर लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंटरमीडिएट का करना है, ब्राउज पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से गैलरी से पिक को जो आप 20 KB से कम में रिड्यूस किए हैं इंटर वाला मार्कशीट उसको सेलेक्ट करना है। तो चलिए इंटर का मार्कशीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इंटर का भी मार्कशीट इनका सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालना है तो डालिएगा, नहीं तो आगे स्किप करके बढ़ जाना। यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, माइग्रेशन डेट डालना है, यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है, यदि आप अप्लीकेबल हैं तो डालिएगा, अगर आप BC2 BC1 ST SC हैं तो आपका यहाँ लगेगा। तो चलिए ये BC2 के स्टूडेंट है तो यहाँ पर ब्राउज करके यहाँ गैलरी से जाके सेलेक्ट करते हैं जो 20 KB से कम में इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट हम लोग अभी रिड्यूस जो किए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर अगर आप जनरल हैं, EWS का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप जैसे पहले हम इससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट ब्राउज करके गैलरी से सेलेक्ट करके उसको यहाँ अपलोड किए हैं ऐसे ही आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड PDF जो दिखाई दे रहा है आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपका नया PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन एज PDF, आपको यहां से PDF को डाउनलोड कर लेना है और ये देखिए आपका पूरा PDF डाउनलोड हो गया जो आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे। तो जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए कि जो भी आपका 20-23 सत्र का न्यू एडमिशन का फॉर्म आया था उसमें क्लास 10th का 12th का माइग्रेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपडेट करना है, क्योंकि आपका हो सके तो ऑनलाइन ही एडमिशन होगा। इसलिए BKSU ने अभी नोटिस जारी किया है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।